हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम HSCB के बारे में एक और टर्म सिम्बियोसिस उसके बारे में बात करेंगे। HSCB फॉर हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। प्रीवियस वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिम्बियोसिस फिनोमिना क्या होता है। सिम्बियोसिस एक टेंडेंसी है। टेंडेंसी किसकी? टेंडेंसी ऑफ अ सॉफ्ट बेस, के जो एक सॉफ्ट बेस है अगर वो किसी मेटल के साथ बाइंड करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो किस मेटल के साथ बाइंड करे, तो वो प्रेफर करेगा उस मेटल के साथ बाइंड करना जिसके साथ ऑलरेडी सॉफ्ट लाइगेंड्स बाउंड हो। इसी तरीके से अगर कोई हार्ड बेस है हमारे पास तो वो किस मेटल आयन के पास जाना चाहेगा, किस मेटल आयन के साथ बाइंड करना चाहेगा जिस मेटल आयन के साथ ऑलरेडी हार्ड बेसिस या हार्ड लाइगेंड्स लगे हैं। सो अ सॉफ्ट बेस हैज टेंडेंसी टू बाइंड विद मेटल आयन ऑलरेडी हैविंग सॉफ्ट लाइगेंड्स बाउंड टू इट, एंड अ हार्ड बेस हैज टेंडेंसी टू बाइंड विद मेटल आयन ऑलरेडी हैविंग हार्ड लाइगेंड्स बाउंड टू इट, एंड दिस टेंडेंसी ऑफ लाइगेंड इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। For example, we have F negative ligand. So F negative ligand, it is a hard base, it is a hard ligand. So अगर हम F negative की बात करें कि F negative को अगर हमने BF3 के पास भेजना है, BF3, then it will very readily get bound to BF3 and forms BF4 negative. Why so? Because boron के साथ already F negative लगे हैं. On the other hand, अगर मान लो हमने F negative को BH3 के पास भेजना है to form BH3 F negative, then this reaction either it does not take place or it takes place at a very very slow rate. ये रिएक्शन बहुत स्लो होएगी, रीजन बीइंग कि इसमें बोरोन के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन मींस टू से हाइड्राइड आयंस लगे, और ये जो हाइड्राइड आयन है इट इज अ सॉफ्ट लिगेंड। और एफ नेगेटिव सिम्बियोसिस क्या कहता है? एफ नेगेटिव किस मेटल के पास या किस एसिड के पास जाएगा जिसके साथ ऑलरेडी उसकी नेचर के जैसे लाइगेंड्स लगे हैं। जैसे एफ नेगेटिव अगर एक हार्ड लाइगेंड है तो ये BF3 के साथ जाएगा, ना कि BH3 के साथ। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास एच नेगेटिव है, एच नेगेटिव विल रेडली गो टू BH3 टू फॉर्म BH4 नेगेटिव। दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट रिएक्शन एंड इट इज स्पॉन्टेनियस ऑल्सो। वाई सो? बिकॉज बोरोन इज ऑलरेडी हैविंग हाइड्राइड आयन्स विच आर soft ligand, so this soft ligand preferably binds to BH3 rather than BF3. So ye H negative BF3 ke saath nahi jayega. So for example, agar humne ye reaction ki baat kare, we have BF3 H negative plus BH3 F negative, and this reaction iske product hum bahut hi easily iske products hum predict kar sakte hain. It will be BF4 negative plus BH4 negative. Why so? Because H negative it will prefer to bind with BH3, and F negative it will prefer to bind with BF3. So exchange of ligands will take place. Here we have hard soft interactions, these are soft hard interactions. Here we have hard hard and soft soft interactions. For example, another example, if we talk CH3F plus CHF3, इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी आराम से हम इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हैविंग CH4 प्लस CF4। द हाइड्रोजन विल मूव फ्रॉम दिस कार्बन टू CH3 एंड फ्लोरीन फ्रॉम दिस कार्बन मूव्स टू CF3 टू फॉर्म CF4। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सिम्बियोसिस।